प्रो रेसलिंग लीग के सीजन 3 की, जिसमें एक और टीम ने जगह ले ली है। प्रो रेसलिंग लीग के दंगल में अब आपको देखने को मिलेगी वीर मराठा। शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे ने मुंबई में एक समारोह में इस नई टीम का लोगो लॉन्च किया। और भी धमाकेदार होने जा रहा है प्रो रेसलिंग लीग का सीजन 3, क्योंकि अब इस लीग में दस्तक दी है एक नई टीम वीर मराठा ने। इस टीम को लॉन्च करने के लिए शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे पहुंचे। आप तस्वीरें देखें। मैं आपका खास अभिनंदन करने आया हूं, जैसे आपने लोगो लॉन्च किया है। ऑफ कोर्स ये लोगो मेरे दिल के करीब है, क्योंकि हमारे पार्टी का भी लोगो काफी अच्छा है। अगर हम कहीं भी महाराष्ट्र में जाए और किसी को भी जैसे नमस्ते कहते हैं, तो उसके मुंह से पहला वर्ड जो आएगा वो जय महाराष्ट्र। तो वैसे ही आपका एक टैगलाइन जो जय महाराष्ट्र, आपको यकीन दिलाता हूं कि आप अभी हारोगे। इस टीम के मालिक हैं मुंबई के रंजीत सक्सेना। बीते 16 सालों से मुंबई में रहने वाले रंजीत का रिटेल का कारोबार है। हालांकि रंजीत सक्सेना समेत इस टीम में कुल 5 लोगों की पार्टनरशिप है। करीबन 1 महीने पहले की बात है, कार्तिकेय जी और सुनील कालरा, वो सीईओ ऑफ स्टीक, दे केम अप विद दिस ऑफर कि एक टीम की जगह है जयपुर की टीम इज वॉकिंग आउट, तो हम एक टीम अकोमोडेट कर सकते हैं। ऑलरेडी महाराष्ट्र से मुंबई की एक टीम है, मुंबई महाराष्ट्र की, एंड वी हैड अ चॉइस कि हम क्या करें। आई वॉज वेरी एडमेंट, क्योंकि 15 साल पहले खाली हाथ आया था, आज इतना कुछ मिला है मुंबई का महाराष्ट्र से कि कुछ और सोच नहीं पा रहा था, सिवाय इसके कि महाराष्ट्र के नाम की टीम होनी चाहिए। PWL में मजबूत दावेदारी पेश करने के लिए रंजीत सक्सेना ने देश और विदेश के जाने माने पहलवानों को इसमें जगह दी है। वीर मराठा में 5 भारतीय और 4 विदेशी खिलाड़ियों को जगह मिली है। बाहर से रेसलर आएंगे, तो उनके साथ भी काफी बॉन्डिंग अच्छी है, तो एक टीम के साथ खेल के बहुत अच्छा लगेगा। मैं काफी एक्साइटेड हूँ कि कब हमारे मैच होगा, कब हम अपना 100% देंगे, टीम को दिखाएंगे। बदलाव ये है कि मैं फर्स्ट टाइम की टीम में थी, और सेकंड टाइम मैं वीर मराठा की टीम में हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। और मैंने बताया है कि मतलब बचपन से उन्होंने यहाँ पे आगे बंदर वगैरह मैच खेली है, तो मेरा फर्स्ट टाइम है मुंबई में, तो आई एम वेरी हैप्पी। प्रो रेसलिंग लीग में वीर मराठा के शामिल होने के बाद अब कुल 6 टीमें हो चुकी हैं। नई दिल्ली के सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसी महीने यानी 9 जनवरी से 18 जनवरी तक दंगल होगा। पिछली बार प्रो रेसलिंग लीग का खिताब NCR पंजाब रॉयल ने अपने नाम किया था। अब इस बार देखना होगा कि 6 टीमों में खिताब किसके हाथ लगता है। अभिषेक शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज। तो कुछ इस अंदाज में धमाकेदार एंट्री की वीर मराठा ने।